हाँ मैं बताता हूँ आपको, एट्रीब्यूट एक्चुअली होता क्या है, कोई भी अगर आप वो बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो अपना ब्लॉक में, ठीक है, तो उस ब्लॉक में आप क्या इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हो तो हर जगह उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, हाँ कि ना, हर जगह उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, हमने कंट्रोल प्लस 3 से वो लिए थे, याद है ना आपको, कंट्रोल प्लस 3 से हमने वो ऐड किए थे इसमें ब्लॉक्स, याद है कि नहीं भाई? यस सर। तो अब जैसे ही हमने ये क्या है आपका, ये कौन सा ब्लॉक है आपका, ये आपका वॉल्व है, दिख रहा है ना वॉल्व, तो आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे आपने इस पे क्लिक किया, अभी देखो फिक्स नहीं किया मैंने, फिक्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक विंडो खुल के आ गई, देखो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ विंडो पे, एडिट एट्रीब्यूट, हाँ, तो इसमें देखो कितने एट्रीब्यूट लगे हुए हैं आपके, 3, कितने लगे हुए, 3, हाँ, तो इसमें जो वैल्यूज आप लगाओगे, तो जैसे कि अगर आप कोई भी मार्केट से सामान खरीद के लाते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन एक टैग पे लिखी रहती है कि इसका मॉडल नंबर क्या है, है ना, इसका मटेरियल क्या है, इसका कलर क्या रहेगा, ठीक है, इसका सप्लायर कौन है और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, नहीं होती है, कॉस्ट, यस और नो। तो अगर आपको अपने ब्लॉग की इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो उसको हम एडिट एट्रीब्यूट के जरिए से देते हैं, किसके हिसाब से देते हैं, एडिट एट्रीब्यूट। अब जैसे कि इसमें पहला एट्रीब्यूट क्या लिखा हुआ है, डेली वॉल डिस्क्रिप्शन एंड साइज, वॉल डिस्क्रिप्शन एंड साइज, हाँ, अब आपने लिख दिया कि ये आपका मेन वॉल्व है, ठीक है, और साइज जो है इसका वो है आपका 3 इंच का, यानी कि आप ये कह दो कि उसका 25 mm का साइज है, ठीक है। अब आता है आपका टैग, टैग में आपने लिख दिया कि भाई ये ABC कंपनी का वॉल्व था, ठीक है। अब सप्लायर, सप्लायर हमने बना दिया अमर को, ठीक है, और इसको कर दिया ओके, तो देखिए यही इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऐड हो गई, हाँ कि ना। अब जैसे कि आपने ये नट लिया, जैसे आप नट को आपने क्लिक किया तो इसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, है ना, तो इसमें भी तो आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, यस सर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट, क्या यूज करेंगे, डिफाइन एट्रीब्यूट, ठीक है, डिफाइन एट्रीब्यूट, तो उसके लिए हम एक बना लें ब्लॉक, यस सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नट बना लेते हैं इस तरह से, तो आपको पॉलीगन लेना पड़ेगा नट बनाने के लिए, कितनी साइड लेनी पड़ेगी इसकी, 6 और यहाँ पे हमने दे दिया, और ये आपको इन सी लेना पड़ेगा सर्कम स्टेप के लिए ना, और कितने रेडियस का बनाना चाहते हो उसको आप, बताओ, 5 mm ले लेते हैं। अच्छा उससे पहले इसकी हम वो चेंज कर देते हैं, यूनिट हमारी इंच में है, ये डेसिमल और यहां से आपका एमएम, और ओके,
तो हमने यहाँ पे POL डाला, एंटर किया, सिक्स साइड ले ली और सेंटर पॉइंट दे दिया और सी एंटर कर दिया फॉर सर्कमस्क्वायर। और आपको कितने का साइज चाहिए? 10 का ले लें, 10 mm का। ऐसा 10 ले लें, 10 का तो बहुत बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं। ये 10 mm का हमने एक बना लिया। अब इसको सर्कल बनाना पड़ेगा ऐसे करके। यस सर। और इसका बोल्ट का वो बनाना पड़ेगा कि भाई उसका वो कितना है। जैसे कि इसका हमने 6 ले लिया, क्योंकि ये आपका इसी के साइज से तो आपका काउंट होता है। यस और नो, है ना? तो ये आपका, आपको बोल्ट जैसा दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, इसमें डिफाइंड एट्रीब्यूट में जाओगे। किस में जाओगे? डिफाइंड एट्रीब्यूट में, या फिर इसकी, हाँ, या फिर इसकी शॉर्टकट की है AT। क्या है? AT और एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें क्या दे रहे हो, साइज क्या दे रहे हो? साइज का, साइज में आपने यहाँ पे क्या वैल्यू रख दी? M6 रख दी, ठीक है? यस और नो? M6 रख दी। और आपने, हाँ बोलो बोलो भाई, सही है? और ये है उसकी टेक्स्ट की हाइट। यस सर। तो इस टेक्स्ट की हाइट हमने यहाँ पे ये रख दी कि भाई ये इसका साइज हो गया, ठीक है? फिर हमने एक और बार लिया AT। तो जितनी बार हमें इसमें एडिशन देनी पड़ेगी, उतना ही हमें यहाँ पे उतनी बार उसको AT करके लेना पड़ेगा। इस बार हम क्या रखना चाह रहे हैं इसमें? मटेरियल। मटेरियल में हमने क्या रख दिया यहाँ पे? क्या है आपका? आयरन है, ठीक है? और इसी के नीचे लाके हमने लगा दिया। अब ये आपका मटेरियल हो गया। और क्या लगाना चाहते हो उसमें, बताओ? इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होगी? लगा सकते हैं? हाँ भाई। तो फिर से AT किया। यस सर। यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी हमने क्या? लेंथ। और लेंथ की वैल्यू हमने कितनी रख दी? वो रख दी 15 mm, ठीक है? ओके, इसको हमने यहाँ लगा दिया। और क्या लगाना है इसमें, बताओ? सप्लायर, ठीक है? एक और फिर से हमने किया और इसका सप्लायर का नाम दे दिया हमने क्या? इस बार रख देते हैं राहुल, ठीक है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसको भी ओके करके यहाँ लगा, यहाँ लगा दे। अच्छा, ये अभी तक हमने क्या किया है? डिफाइन किया है, है ना? हमने अभी तक क्या किया, रिवाइज करो एक बार। हमने पहले एक ये बोल्ट का साइज बनाया पॉलीगन लेकर के, सर्कल लेकर के, फिर एक एक करके हमने इनको डिफाइन कर दिया, है ना? अब आते हैं हमारे, जाते हैं ब्लॉक बनाने। इसमें जाएंगे अब, इसको क्या बनाएंगे हम? ब्लॉक। अब इसको आप चाहे तो, हाँ चाहे तो आप इसको बना सकते हो डब्लू ब्लॉक परमानेंट वाला, और चाहे आप इसको बना सकते हो क्या, बी ब्लॉक, बी एंटर करके टेम्परेरी। तो दोनों में से कोई, हाँ दोनों में से कोई सा भी बना सकते हो, ब्लॉक या डब्लू ब्लॉक। कौन सा बनाए? बी एंटर कर देते हैं यहाँ पे ब्लॉक के लिए। नाम क्या देते हैं इसका? बोल्ट, ठीक है? पिक पॉइंट, सेंटर पॉइंट ले लें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, ये ले लिया और एंटर कर दिया और इसको कर दो ओके। तो अब देखो यहाँ से हमने डिलीट का ऑप्शन लिया था, इसलिए डिलीट भी हो गया। अब यहाँ से इसको इंसर्ट करो, ये रहा आपका बोल्ट। यस सर। क्लिक करो तो देखो वही विंडो खुल के आ गई इसके साथ।
जब लास्ट टाइम हम ब्लॉक बनाया था तब तो हमारी कोई विंडो नहीं आ रही थी इसमें, है ना। अब यहाँ से उसने चलो, अब आपका चलो पता लगा आपको कि सप्लायर आपने चेंज कर दिया, तो आपने अनिल का नाम रख दिया कि भाई सप्लायर अब हमारा कौन है, अनिल है। लेंथ इसकी हम यहाँ पे 15 mm की नहीं यूज कर रहे, अब यहाँ पे हमने 20 mm का यूज किया। और इस बार ये हमने आयरन का नहीं, हमारा स्टील का इसका मटेरियल है, ठीक है, और ओके कर दिया। तो वही चीज आपकी देखो यहाँ लिखी आ गई दोबारा। फिर से अगर इसको आप इंसर्ट करोगे तो वो आपसे फिर से पूछेगा कि यही रखना है या आपको चेंज करना है। आई बात समझ में? यस सर। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी एट्रीब्यूट लगा करके वैल्यूज ऐड कर सकते हो। और इसमें एडिट करने का भी तरीका है, जैसे कि मान लो आप लगा दिया आपने, नया लेना नहीं है आपको, तो इसी में एडिट कैसे करें, तो या तो आप इसको क्या करो, यहाँ से एडिट एट्रीब्यूट का ऑप्शन होता है आपके पास, क्या होता है एडिट एट्रीब्यूट। तो देखो आपकी विंडो आपकी, तो आपको सप्लायर का नाम चेंज करना है, तो यहाँ से इसका सप्लायर का नाम चेंज कर दो, ठीक है, आपका चेंज हो जाएगा। और आपको लेंथ चेंज करनी है तो लेंथ हो जाएगी, मटेरियल चेंज करना है तो मटेरियल, और साइज चेंज करना है तो साइज, सब कुछ आपका चेंज हो सकता है यहाँ से एडिट में जाकर के यहाँ से, ठीक है। कोई डाउट किसी को? यस कर लोगे आप? यस सर। ओके गुड। अब देखो इसका यूज हम टाइटल ब्लॉक बनाने में भी कर सकते हैं, इसमें टाइटल ब्लॉक समझते हो, टाइटल ब्लॉक क्या होता है? यस और नो? टाइटल ब्लॉक बनाना आता है? ठीक है, हेलो, टाइटल ब्लॉक बनाना आता है? तो उसको भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। आपकी वॉइस कट गई थी सर। तो आपको आप यहाँ पे उसकी हेल्प एट्रीब्यूट की हेल्प से टाइटल ब्लॉक भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया आपने, इस तरीके से, ठीक है भाई, और इसको भी आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे करके। यस सर। और फिर से आपने इसको यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या रखो, क्या रखना चाहते हो उस ब्लॉक में, प्रोजेक्ट का नाम? यस और नो? तो आप यहाँ से टेक्स्ट लो और टेक्स्ट से क्या लिख दो, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, यानी कि प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम। यस सर। और इसको ऐसे करके क्लिक करके एंटर मार दीजिए, ठीक है। अब इसको कर लो क्या, स्केल कर लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा साइज हो गया हमारा, इतना सही है, ठीक है, स्केल कर लेते हैं। अब इसको फिर से कॉपी करके नीचे वाले में लगा दो यहाँ पे, और एक लगा दो यहाँ। अब यहाँ वाले में भी इसका साइज बड़ा है तो यहाँ पे भी स्केल कर लो इसको, यहाँ पे इतना साइज सही है, सही है। अब इसको भी यहाँ से कॉपी कर लो। यस सर। अभी हमारा टेक्स्ट का काम चल रहा है, हमने ना तो कोई एट्रीब्यूट लिया है ना ही कोई ब्लॉक लिया है, है ना। अब इसको नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपने लिख दिया क्या कि ये हमारा क्या है, कंपनी नेम के लिए बॉक्स है, किसके लिए, कंपनी नेम, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेट, और ये हो जाएगा आपका ड्राइंग नेम,
और यहाँ पे हो जाएगा आपका इंजीनियर या डिजाइनर नेम, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा चेक्ड, चेक्ड बाय, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट? यस सर। यहां तक तो हमने सिर्फ किससे बनाया, टेक्स्ट और लाइन से ही बनाया। अब हमारा अब यहाँ पे एट्रीब्यूट का काम स्टार्ट आता है। क्या आता है? एट्रीब्यूट का काम। तो एट्रीब्यूट के लिए आप ए डबल टी डालोगे इसमें। सबसे पहला क्या नाम है आपका? प्रोजेक्ट। क्या लिखोगे इसमें टैग में? प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम आपने क्या दे दिया? रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। या आपने क्या लिखा इसमें? यस सर। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया कितना था, M6 गोल्ड, यही था आपका प्रोजेक्ट का नाम, क्या भाई? यस सर। यस सर, गोल्ड हो गया। अब यहाँ पे इसका साइज हम रख देते हैं कितना, 15, और ओके किया तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ पे कंपनी नाम रखना है तो फिर से हमें ए डबल टी डालना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे हमने क्या लिखा इस बार? कंपनी। और कंपनी आपकी कौन सी है? मैपिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी का नाम भी यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब आपको डेट लेना है ना, तो फिर से आपको ए डबल टी डालना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? डेट। अच्छा, डेट आप इसमें हर बार एंटर करना चाहते हो या जो सिस्टम की डेट हो वो आ जाए? सिस्टम वाली सर। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि जब भी आप उस फाइल को खोलोगे तो जो उसकी डेट होगी ना वो करंट डेट बन जाएगी। ये ड्रॉबैक है इसका, ठीक है सर। दोनों में तो भाई, हाँ, तो यहाँ से अगर आपको डेट लेनी है तो यहाँ से इंसर्ट कराओ, डेट पकड़ो यहाँ से, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो चूज करके ओके कर दो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका साइज ले लो यहाँ पे 10, ओके। तो देखिए ये आपका यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया डेट। ऐसे ही सिमिलरली आप क्या ले लो यहाँ से, ड्राइंग। ड्राइंग नेम में आपका क्या आएगा? आपका टॉप व्यू है। कौन सा है? टॉप व्यू तो बनाया था हमने, टॉप व्यू। टॉप व्यू, यस सर। और ओके कर दो तो ये आपका ड्राइंग नेम में आ गया। अब आपका डिजाइनर नेम कौन है? तो यहाँ पे आप लिख दो क्या, डिजाइनर। डिजाइनर का नाम क्या है आपका? लिख दिया आपने अनिल, ठीक है, ओके कर दो, ये आपका डिजाइनर हो गया। अब आपने एक और लिया, यहाँ पे क्या है, चेक्ड, तो आपने इसमें लिख दिया चेक्ड, और चेक्ड किसने किया है, यहाँ पे लिख दो अमर, ठीक है। अब इसको यहां से ओके करो और यहां लगा दो। तो आपने अब तक क्या किया इसमें, डिफाइन कर दिया सारी चीजें? हाँ भाई, आपने हर एक को अलग अलग डिफाइन किया है कि नहीं? सर आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा, यहाँ पे अभी तक आपने एक एक करके डिफाइन किया है, हमारा क्या काम बचता है? ब्लॉक बनाना। तो ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, बी एंटर, यहाँ पे आप दे दिया नाम क्या, टाइटल ब्लॉक, ठीक है। बेस पॉइंट में आपने ये ले लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आपने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया, और इसको कर दो यहाँ से डिलीट और ओके। अब इसको यहाँ से इंसर्ट करें तो आपका यहाँ तो आ ही नहीं रहा, तो ये आ गया आपका टाइटल ब्लॉक नीचे, किया तो क्लिक करो, एंसर मारो,
देखो फिर से आपका वही आ गया, सारी चीजें आ गई, ओके कर दो। कि आपका प्रोजेक्ट नेम क्या है, M6 वोल्ट, कंपनी नेम मैपिंग स्किल्स, डेट आपकी आज की आ गई, ये आपका टॉप व्यू आ गया, डिजाइनर नेम अनिल है, चेक्ड बाय अमर सिंह। तो अब मान लो कि आपको दूसरी ड्राइंग में इसको इंसर्ट कराना है, तो फिर से आप इसको इंसर्ट कराओगे कि नहीं? यस सर। और इस बार मान लो कि आपका डिजाइनर चेंज हो गया, इस बार हमारा डिजाइनर बन गया ये कौन, हमारे राहुल, राहुल जी, ठीक है, राहुल सिंह। यस सर। और हमारे चेकर भी चेंज हो गए, वो बन गई हमारी मोहिनी मैडम, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट नेम चेंज हुआ है तो प्रोजेक्ट नेम भी चेंज कर सकते हो, कंपनी चेंज होगी तो कंपनी, और इसको कर दो ओके। तो देखो अब वो जो आपने यहाँ वैल्यू लिखी वो आ गई, पिछले वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो पिछले वाले में लिख गया वो पिछले वाले में लिख गया, अब नए वाले में जो आएगा वो नए वाले में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मोहिनी मैडम की नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, तो इसको आप डबल क्लिक करके चेक बाय में जा करके यहाँ पे वैल्यू आ गई देखो, तो यहाँ पे आप सही कर लो इसको, ओके कर दो, तो आप वापस से सही हो गई। बोलो कोई डाउट किसी को? नो सर।